धारणा। अग्निदेव कहते हैं मुने ध्येय वस्तु में जो मन की स्थिति होती है उसे धारणा कहते हैं। ध्यान की ही भांति उसके भी दो भेद हैं, साकार और निराकार। भगवान के ध्यान में जो मन को लगाया जाता है उसे क्रमशः मूर्त और अमूर्त धारणा कहते हैं। इस धारणा से भगवान की प्राप्ति होती है। जो बाहर का लक्ष्य है उससे मन जब तक विचलित नहीं होता तब तक किसी भी प्रदेश में मन की स्थिति को धारणा कहते हैं। देह के भीतर नियत समय तक जो मन को रोका रखा जाता है और वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, यही अवस्था धारणा कहलाती है। 12 आयाम की धारणा होती है, 12 धारणा का ध्यान होता है तथा 12 ध्यान पर्यंत जो मन की एकाग्रता है उसे समाधि कहते हैं। जिसका मन धारणा के अभ्यास में लगा हुआ है उसी अवस्था में यदि उसके प्राणों का परित्याग हो जाए तो वह पुरुष अपने 21 पीढ़ी का उद्धार करके अत्यंत उत्कृष्ट स्वर्ग पद को प्राप्त प्राप्त होता है। योगियों के जिस जिस अंग में व्याधि की संभावना हो उस अंग को बुद्धि से व्याप्त करके तत्वों की धारणा करनी चाहिए। द्विजोत्तम, आग्नेयी, वारुणी, ईशानी और अमृतात्मिकता, ये विष्णु की 4 प्रकार की धारणा करनी चाहिए। उस समय अग्नियुक्त शिखा मंत्र का जिसके अंत में फट शब्द का प्रयोग होता है जप करना उचित है। नाड़ियों के द्वारा विकट दिव्य एवं शुभ शुलाग्र का वेदन करें। पैर के अंगूठे से लेकर कपोल तक किरणों का समूह व्याप्त है और वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर नीचे तथा इधर उधर फैल रहा है, ऐसी भावना करें। महामुने, श्रेष्ठ साधक को तब तक रश्मि मंडल का चिंतन करते रहना चाहिए जब तक कि वो अपने संपूर्ण शरीर को उसके भीतर भस्म होता ना देखे। तदनंतर उस धारणा का उपसंहार करें। इसके द्वारा द्विजगण शीत और श्लेष्मा आदि रोग तथा अपने पापों का विनाश करते हैं। ये आग्नेयी धारणा है। तत्पश्चात धीरभाव से विचार करते हुए मस्तक और कंठ के अधोमुख होने का चिंतन करें। उस समय साधक का चित्त नष्ट नहीं होता, वह पुनः अपने अंतःकरण द्वारा ध्यान में लग जाए और ऐसी धारणा करे कि जल के अनंत कण प्रकट होकर एक दूसरे से मिलकर हिमराशि को उत्पन्न करते हैं और उससे इस पृथ्वी पर जल की धाराएं प्रवाहित होकर संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर रही हैं। इस प्रकार उस हिम स्पर्श से शीतल अमृत स्वरूप जल के द्वारा शोभवश ब्रह्मरंध्र से लेकर मूलाधार पर्यंत संपूर्ण चक्रमंडल को आप्लावित करके सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर पूर्ण चंद्रमंडल का चिंतन करें। भूख प्यास आदि के क्रम से प्राप्त होने वाले क्लेशों से अत्यंत पीड़ित होकर अपने तुष्टि के लिए इस वारुणी धारणा का चिंतन करना चाहिए तथा उस समय आलस्य छोड़कर विष्णु मंत्र का जप करना ही भी उचित है। ये वारुणी धारणा बतलाई गई। अब ईशानी धारणा का वर्णन सुनिए। प्राण और अपान का क्षय होने पर हृदयाकाश में परम ब्रह्म कमल के ऊपर विराजमान भगवान विष्णु के प्रसाद अनुग्रह का तब तक चिंतन करता रहे जब तक कि सारी चिंता का नाश न हो जाए। तत्पश्चात व्यापक ईश्वर रूप से स्थित होकर परम शांत निरंजन निराभास एवं अर्धचंद्र स्वरूप संपूर्ण महाभाव का जप और चिंतन करें। जब तक गुरु के मुख से जीवात्मा को ब्रह्म का ही अंश है या साक्षात ब्रह्म रूप नहीं लिया जाता तब तक ये संपूर्ण चराचर जगत असत्य होने पर भी सत्यवत प्रतीत होता है। उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर ये सारा चराचर जगत, प्रमाता, मान और मेय, ध्याता, ध्यान और द्वेय, सब कुछ ध्यानगत हृदय कमल में लीन हो जाता है। जप, होम और पूजन आदि को माता की दी हुई मिठाई की भांति मधुर एवं लाभकर जानकर विष्णु मंत्र के द्वारा उसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करें। अब मैं अमृतमय धारणा बतला रहा हूं। मस्तक की नाड़ी के केंद्र स्थान में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाले कमल का ध्यान करें तथा प्रयत्न पूर्वक ये भावना करें कि आकाश में 10,000 चंद्रमा के समान प्रकाशमान एवं एक पूर्ण चंद्रमंडल उदित हुआ है जो कल्याणमय कल्लोलों से परिपूर्ण है। ऐसा ही ध्यान अपने हृदय कमल में भी करें और उसके मध्य भाग में अपने शरीर को स्थित रखें। धारणा आदि के द्वारा साधक के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। समाधि। अग्निदेव कहते हैं जो चैतन्य स्वरूप से युक्त और प्रशांत समुद्र की भांति स्थिर हो, जिसमें आत्मा के सिवा अन्य किसी वस्तु की प्रतीति न होती हो, उस ध्यान को समाधि कहते हैं। जो ध्यान के समय अपने चित्त को ध्वे में लगाकर वायुहीन प्रदेश में जलती हुई अग्निशिखा की भांति अविचल एवं स्थिर भाव से बैठा रहता है वो योगी समाधिस्थ कहा गया है।
जो न सुनता है, न सूंघता है, न देखता है, न रसास्वादन करता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न मन में संकल्प उठने देता है, न अभिमान करता है और न बुद्धि से दूसरे किसी वस्तु को जानता ही है, केवल काष्ठ की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित रहता है, ऐसे ईश्वर चिंतन परायण पुरुष को समाधिस्थ कहते हैं। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कंपित नहीं होता, यही उस समाधिस्थ योगी के लिए उपमा मानी गई है। जो अपने आत्मस्वरूप श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहता है, उसके सामने अनेक दिव्य विघ्न उपस्थित होते हैं, वे सिद्धि की सूचना देने वाले हैं। साधक ऊपर से नीचे गिराया जाता है, उसके कान में पीड़ा होती है, अनेक प्रकार के धातुओं के दर्शन होते हैं तथा उसे अपने शरीर से बड़ी वेदना का अनुभव होता है। देवता लोग उस योगी के पास आकर उससे दिव्य भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। राजा पृथ्वी का राज्य देने की बात कहते और बड़े बड़े धनाध्यक्ष धन का लोभ दिखाते हैं। वेद आदि संपूर्ण शास्त्र स्वयं ही बिना पढ़े उसकी बुद्धि से स्फुरित हो जाते हैं। उसके द्वारा मनोनुकूल छंद और सुंदर विषय से युक्त उत्तम काव्य की रचना होने लगती है। दिव्य रसायन, दिव्य औषधियां तथा संपूर्ण शिल्प और कलाएं उसे प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, देवेश्वरों की कन्याएं और प्रतिभा आदि सदगुण भी उसके पास बिना बुलाए जाते हैं। किंतु जो इन सब को तिनके के समान निस्सार मानकर त्याग देता है, उसी पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अणिमा आदि गुणमयी विभूतियों से युक्त योगी पुरुष को उचित है कि वो शिष्य को ज्ञान दे। इच्छा अनुसार भोगों का उपभोग करके लय योग की रीति से शरीर का परित्याग करे और विज्ञानानंदमय ब्रह्म एवं ईश्वर रूप अपने आत्मा में स्थित हो जाए। जैसे मलिन दर्पण शरीर का प्रतिबिंब ग्रहण करता है, जैसे मलिन दर्पण शरीर का प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण शरीर का ज्ञान कराने की क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार जिसका अंतःकरण परिपक्व वासना शून्य नहीं है, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ। देह सब प्रकार के रोगों तथा दुखों का आश्रय है, इसलिए देहाभिमानी जीव अपने शरीर में वेदना का अनुभव करता है। परंतु जो पुरुष योग युक्त है, उसे योग के ही प्रभाव से किसी भी क्लेश का अनुभव नहीं होता। जैसे एक ही आकाश घट आदि भिन्न भिन्न उपाधियों में पृथक पृथक सा प्रतीत होता है और एक ही सूर्य अनेक जलपात्रों में अनेक सा जान पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ भी अनेक शरीरों में स्थित होने के कारण अनेकवत प्रतीत होता है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। ये संपूर्ण लोक आत्मा ही है, आत्मा से ही चराचर जगत की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी, डंडा और चाक के संयोग से घड़ा बनाता है, अथवा जिस प्रकार घर बनाने वाला मनुष्य तृण, मिट्टी और काठ से घर तैयार करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इंद्रियों को साथ ले कार्यकरण संघात को एक चित्त करके भिन्न भिन्न योनियों में अपने को उत्पन्न करता है। कर्म से, दोष और मोह से तथा स्वेच्छा से ही जीव बंधन में पड़ता है और ज्ञान से ही उसकी मुक्ति होती है योगी पुरुष धर्मानुष्ठान करने से कभी रोग का भागी नहीं होता। जैसे बत्ती, तैलपात्र और तैल, इन तीनों के संयोग से ही दीपक की स्थिति है, इनमें से एक के अभाव में भी दीपक नहीं रह सकता। उसी प्रकार योग और धर्म के बिना विकार रोग की प्राप्ति देखी जाती है और इस प्रकार अकाल में ही प्राणों का क्षय हो जाता है। हमारे हृदय के भीतर जो दीपक की भांति प्रकाशमान आत्मा है, उसकी अनंत किरणें फैली हुई हैं, जो श्वेत, कृष्ण, पिंगल, नील, कपिल, पित्त और रक्त वर्ण की हैं। उनमें से एक किरण ऐसी है जो सूर्यमंडल को भेद कर सीधे ऊपर को चली गई है और ब्रह्मलोक को भी लांघ गई है। उसी के मार्ग से योगी पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। उसके सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपर की ओर स्थित हैं। उनके द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं के निवास भूत लोकों में जाता है, जो एक ही रंग की बहुत सी किरणें नीचे की ओर स्थित हैं। उनकी कांति बड़ी कोमल है। उन्हीं के द्वारा जीव इस लोक में कर्म भोग के लिए आता है। समस्त ज्ञानेंद्रियां, मन, कर्मेंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी आदि पांच भूत तथा अव्यक्त प्रकृति, ये क्षेत्र कहलाते हैं और आत्मा ही इस क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वही संपूर्ण भूतों का ईश्वर है। सत, असत तथा सद सत सब उसी के स्वरूप हैं। व्यक्त प्रकृति से समस्त बुद्धि महतत्व की उत्पत्ति होती है। उससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से आकाश आदि पांच भूत उत्पन्न होते हैं, जो उत्तरोत्तर एकाधिक गुण वाले हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्रमशः उन पांचों भूतों के गुण हैं। इनमें से जो भूत जिसके आश्रय में है, वो उसी में लीन होता है। सत्व, रज और तम, ये अव्यक्त प्रकृति के ही गुण हैं। जीव रजोगुण और तमोगुण से आविष्ट हो चक्र की भांति घूमता रहता है। जो सबका आदि होता हुआ स्वयं अनादि है, वही परम पुरुष परमात्मा है।
मन और इंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है वो विकार विकृत होने वाला प्राकृत तत्व कहलाता है, जिससे वेद पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र भाष्य तथा अन्य वांगमय की अभिव्यक्ति हुई वही परमात्मा है। पितृयान मार्ग की उपविधि से लेकर अगस्त तारा के बीच का जो मार्ग है उससे संतान की कामना वाले अग्निहोत्री लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो भलीभांति दान में तत्पर तथा 8 गुणों से युक्त होते हैं वे भी उसी भांति यात्रा करते हैं। 88,000 गृहस्थ मुनि हैं जो सब धर्मों के प्रवर्तक हैं। वे ही पुनरावृत्ति के बीज कारण माने गए हैं। वे सप्तर्षियों तथा नागविथि के बीच के मार्ग से देवलोक में गए हैं। उतने ही अर्थात 88,000 मुनि और भी हैं जो सब प्रकार के आरामों से रहित हैं। वे तपस्या ब्रह्मचर्य आसक्ति त्याग तथा मेघाशक्ति के प्रभाव से कल्प पर्यंत भिन्न भिन्न दिव्य लोकों में निवास करते हैं। वेदों का निरंतर स्वाध्याय निष्काम यज्ञ ब्रह्मचर्य तप इंद्रिय संयम श्रद्धा उपवास तथा सत्य भाषण ये आत्मज्ञान के हेतु। समस्त द्विजातियों को उचित है कि वे सत्वगुण का आश्रय लेकर आत्मतत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन एवं साक्षात्कार करें। जो इसे इस प्रकार जानते हैं जो वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय ले चुके हैं और परम श्रद्धा से युक्त हो सत्य की उपासना करते हैं वे क्रमशः अग्नि दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण देवलोक सूर्यमंडल तथा विद्युत के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाते हैं। तदनंतर मानस पुरुष वहां आकर उन्हें साथ ले जा ब्रह्मलोक का निवासी बना देता है। उनकी इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग यज्ञ तप और दान से स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त करते हैं वे क्रमशः धूम रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन पितृलोक तथा चंद्रमा के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाते हैं और फिर आकाश वायु एवं जल के मार्ग से होते हुए इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार से वे इस लोक में जन्म लेते और मृत्यु के बाद पुनः उसी मार्ग से यात्रा करते हैं। जो जीवात्मा के इस दोनों मार्गों को नहीं जानता वो सांप पतंग अथवा कीड़ा मकोड़ा होता है। हृदयाकाश में दीपक की भांति प्रकाशमान ब्रह्म का ध्यान करने से जीव अमृत स्वरूप हो जाता है। जो न्याय से धन का उपार्जन करने वाला तत्वज्ञान में स्थित अतिथि प्रेमी श्राद्धकर्ता तथा सत्यवादी है वो गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है।